हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवन्थ का मैथ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ चुके थे। तो पहला पार्ट लेते हैं, 4 होल 3 बाई 5 प्लस 3 होल 2 बाई 10। ठीक है ना। अब क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन है। मैंने बताया पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5 4 जा 20 एंड 3 23 बाई 5 10 3 जा 30 एंड 2 32 बाई 10। इसके पहले जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो डिनोमिनेटर सेम था, बड़ा मजा आ रहा था लगाने में, बट आज तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ऐसे केस में हमें एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, एलसीएम डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। जहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है वहाँ जीत, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो वहाँ मान लेंगे। 1 5 10 8 6 सबका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकलता है एलसीएम, आए जरा देखें तो बच्चों। 5 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए ऐसे 2 से डिवाइड होगा, 2 से 5 नहीं होगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 5 से 5 हो जाए 5 हो जाए। तो 5 और 2 का एलसीएम यही हो गया, इन्हीं नंबर का गुणा कर लेते हैं, 2 5 जा 10। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 10। बड़ा आसान है, जहां डिनोमिनेटर सेम ना रहे। सारे क्वेश्चन को ऐसे आप लगाओगे, सबको पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओगे, फिर जो जो डिनोमिनेटर में जितनी संख्या है 2 3 लिख कर उसका एलसीएम निकाल लोगे। अब इसके बाद एलसीएम 10 आया तो 10 लिख लोगे आप ऐसे, 10। ठीक है ना, 10 आया तो 10 लिख देंगे, 10। अब डिनोमिनेटर से भाग करेंगे एलसीएम में, 5 से 10 में भाग करेंगे, 10 में 5 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 5 2 जा 10, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स 5 2 जा 10, 2 बार गया 2 बार, तो 2 बार ऊपर गुणा कर देंगे ऐसे, जो भी नंबर है उसमें 2 से गुणा, प्लस माइनस जो भी है नोट कर लेंगे। फिर वही काम 10 से 10 में। अब जैसे यहां इसके डिनोमिनेटर से भाग दिए, कितनी बार गया ऊपर वाले में गुणा, फिर डिनोमिनेटर में भाग करी जितनी बार जाए ऊपर वाले में, 10 से 10 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 टाइम 10 से 10 में, तो 32 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कहीं कहीं माइनस आ गया तो क्या हुआ, माइनस लिख देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन प्रोसेस ऐसे ही। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट देखिए ये आया। अब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 46, प्लस 32 1 जा 32 बाई 10। अब दोनों ऐड कर लीजिए, 4 6 2 8, अब 4 3 7 बाई 10, यही आपका आंसर हो गया। काट के छोटा करना चाहे छोटा कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, दोनों 2 से काट दिए, वही आंसर हो गया। उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जैसे ये 39 बाई 5 है ना, तो 5 से डिवाइड करो, 5 का टेबल 39 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, 5 7 जा 35, 7 बार टेबल गया, तो 7 होल, ऐसे ही है ना आपका 39 और 5, तो 5 7 जा 35, 4 बचेगा, तो 7 बार गया, तो 7 होल, कितना रिमाइंडर बचा, 4, उसको ऊपर लिखते हैं नोमिनेटर में, और जिससे डिवाइड कर रहे थे 5, इस तरह से इसको लिख देंगे ऐसा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर लें, जहाँ प्लस माइनस होगा लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, शेष आप होमवर्क में कर लेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों।